धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, इसी विचारधारा के साथ मई 1929 से संचालित संत निरंकारी मंडल द्वारा बुधवार को मानव एकता दिवस मनाया गया। साल 1980 में रंजीत सिंह ने मिशन के गुरु बाबा गुरबचन सिंह की जघन्य हत्या कर दी थी। इंसान के शरीर को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन विचारधारा अमिट है। आज उस विचारधारा ने एक अभियान की शक्ल अख्तियार कर ली है। धर्म में निहित भ्रम को मिटाने के साथ फिरका परस्ती और खेमेबाजी के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए मिशन द्वारा आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करने की कोशिशें जारी है। मानव सेवा में निहित मूल्यों की परख समझने वाले मिशन द्वारा मानव एकता दिवस के मौके पर देश भर के 250 जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 10,000 यूनिट रक्त संग्रहण की इस कोशिश के तहत बिलासपुर इमलीपारा में स्थित सत्संग भवन में 200 के करीब स्वयं सेवकों ने रक्तदान किया। हमारे मिशन में आज पूरे देश में विदेशों में संयुक्त रूप से ये मनाया जा रहा है 24 अप्रैल मानव एकता दिवस, और इस दिन हमारा पूरा मिशन में हर जगह पे रक्तदान दिया जाता है, रक्तदान किया जाता है। हमारे मिशन के द्वितीय गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी, उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी 24 अप्रैल के दिन, तब से ही हमारे सतगुरु, जो हमारे तृतीय सतगुरु, उन्होंने तब से ही ये कहा था कि इस दिन को हम मानव एकता दिवस के रूप में मनाएंगे, और जो रक्त हमारे सतगुरु का उस दिन बहा था, हम उस चीज़ को रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहा के इस दिन को मनाएंगे। जिला अस्पताल और सिम्स के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ यहाँ सत्संग का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और आमंत्रित संगत शामिल हुए। परमात्मा हर प्राणी मात्र में, हर जीव मात्र में है, इसलिए हर जीव की, हर प्राणी मात्र की सेवा करना, एक वक्त पर काम आना ही वास्तव में प्रभु की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। ये बाबा जी हमारा ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, जो पुरातन समय से संत पीर पैगंबर इंसान को देते आए हैं। तो ये अमानी तत्वों ने सोचा कि इनको मारने से शायद ये मिशन ख़त्म हो जाएगा, पर गुरु तो ज्ञान होता है छिपा इंसानी जीवन में, ये खुद भगवान होता है, ये चोला बदल के हमेशा आता है मानव को जागृति देने के लिए, उजाला देने के लिए। संत निरंकारी मिशन द्वारा समय समय पर इसी प्रकार के जनहितकारी आयोजन किए जाते रहे हैं। इस मौके पर आम लंगर का भी आयोजन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कार्यकर्ता पूरी तरह मुस्तैद नजर आए।